गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों आज 23 अगस्त है और 23 अगस्त में क्या क्या बैंकिंग न्यूज आए और क्या क्या अपडेट्स है, तो सब कुछ आपके साथ हम डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा चैनल को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है दोस्तों उसको एनेबल करके रखिए, क्योंकि हम रोज दिन आपको क्वालिटी बैंकिंग न्यूज देते हैं। दोस्तों मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों मेरा आईडी का नाम है नॉलेज आईक्यू टीवी। सो जल्दी से जल्दी दोस्तों आप इंस्टाग्राम में जाइए और मेरा जो इंस्टाग्राम का जो आईडी है नॉलेज आईक्यू टीवी उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज आपको थोड़ी बताती हूँ, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, इसलिए अगर आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लेते हो तो तुरंत आपको सबसे पहले बैंकिंग न्यूज का जितने भी अपडेट है ब्रेकिंग न्यूज वाला तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज आप लोग मेरा वीडियो को टिल एंड तक फॉलो कीजिए। अगर आप टिल एंड तक फॉलो नहीं करोगे, स्किप करके वीडियो देखोगे, तो बहुत जो अपडेटेड न्यूज आए हैं पेंशन के बारे में, उसके साथ साथ सब स्टाफ के बारे में, तो आप सब कुछ मिस कर जाओगे। तो प्लीज आप लोग मेरा वीडियो टिल एंड तक देखिए। दोस्तों आज का जो वीडियो हम शुरू करेंगे वो पहले शुरू करना चाहते एसबीआई पेंशनर का जितने भी डिटेल्स है उसके बारे में शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों एसबीआई पेंशनर प्लीज नोट द पेंशन स्लिप विथ रिवाइज्ड डीए फॉर अगस्त 2021 इज अवेलेबल नाउ ऑन एचआरएमएस सॉफ्टवेयर। द वेबसाइट आस्क टू चेंज द पासवर्ड एवरी 3 मंथ्स। इफ द पासवर्ड इज सो एक्सपायर्ड यू नीड द चेंज द पासवर्ड। दोस्तों जो एसबीआई पेंशनर का जितने भी पेंशन स्लिप है दोस्तों रिवाइज्ड डीए के साथ, आप वो एचआरएमएस जो सॉफ्टवेयर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उधर में जाके आप इस पेंशन स्लिप को डाउनलोड कर सकते हो और एवरी 3 मंथ के अंदर अंदर आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो आज का क्या न्यूज आया है, एसबीआई पहले बैंक बन चुके हैं दोस्तों, क्योंकि उसका जो पेंशन स्लिप है तो वो आप रिटायर्ड पोर्टल में जाके मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जाके डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारा बैंक जो रिवाइज्ड डीए अगस्त 2021 का पेंशन में आएगा, वो आपको भी आपका व्हाट्सएप आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आ जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों, जो ऑल इंडिया बैंक पेंशनर एंड रिटायरीज कॉन्फेडरेशन मीन्स AIBPARC बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन ईस्टर्न इंडिया बेंच बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता मेन ब्रांच 23 है नेताजी सुभाष रोड कोलकाता 7001। तो ऑल इंडिया बैंक पेंशनर एंड रिटायरीज कॉन्फेडरेशन ने एक सर्कुलर जारी किया है दोस्तों, वो सर्कुलर है अपडेशन ऑफ पेंशन इन बैंक्स। दोस्तों इधर में अपडेशन पेंशन इन बैंक्स फैमिली पेंशन नहीं है दोस्तों, मैं फिर से बता रही हूँ, अपडेशन इन पेंशन इन बैंक्स फैमिली पेंशन नहीं है। जो रिटायरीज हम लोगों को फैमिली पेंशनर नहीं, फिर से मैं बता रही हूँ दोस्तों, जो रिटायरीज हम लोगों को दोस्तों कमेंट सेक्शन में आके पूछे थे, सर फैमिली पेंशन तो अप्रूवल 25 अगस्त के अंदर अंदर आ जाएगा, लेकिन हमारे पेंशन अपडेशन कब होगा? तो इसी बीच दोस्तों जो 25 अगस्त होगा, जो जिस दिन फैमिली पेंशन अप्रूवल होने वाले हैं, उस दिन दोस्तों मैं रिटायरीज को सारे पेंशनर रिटायरीज को मैं बताना चाहती हूँ, उस दिन आपका पेंशन अपडेशन का भी एक इम्पोर्टेंट सा न्यूज आने वाला है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि UABU के साथ जो बैंक यूनियन ऑफिस बियरर है उनके साथ हमारे माननीय जो फिनेंस मिनिस्टर है उसके साथ मीटिंग होने वाला है दोस्तों, और जो बैंकिंग MD और CEO रहेगा उसके साथ भी मीटिंग होने वाला है। तो जो 22 अगस्त है और 22 अगस्त में एक ऑल इंडिया बैंक पेंशनर रिटायरीज कॉन्फेडरेशन ने बता दिया है, उस दिन अपडेशन ऑफ पेंशन लेके भी बात हो सकता है, ये रिटायरीज के लिए, फैमिली पेंशनर के लिए नहीं, क्योंकि फैमिली पेंशनर के तो 25 अगस्त में बात होगा, अप्रूवल भी होगा, लेकिन
रिटायरीज का भी बात इस मीटिंग में होगा। उसके साथ साथ जो दोस्तों नीति आयोग में जो तीन बैंक का नाम गया है, मतलब इसमें से दो बैंक होगा, तो उसमें प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे में भी मीटिंग होने वाला है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑल इंडिया पेंशन एंड रिटायरीज कॉन्फेडरेशन ने बता दिया है दोस्तों, दिस इज ए टाइम व्हेन यूटिलिटी ऑफ अप्रोच इज द मोस्ट डिजायर्ड थिंग एंड एनी अटेम्प्ट टू डिसवेरी द सब्जेक्ट बाय रेजिंग इश्यूज व्हिच हैव लिटिल टू रिलीवेंस एट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द टाइम मे बी लुक्ड अप एज एन एफर्ट डिरेल द डिमांड फॉर ऑल टाइम्स टू कम। दोस्तों इसके साथ साथ जो अप्रोच किए थे दोस्तों, हमारे मांगे ऐसे थे, हमको ऐसे चीज चाहिए जो इशू से अभी तक भी पेंशनर को और उसके साथ साथ रिटायरीज को वो चीज को लेकर भी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। यूएफबीयू मीन्स यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन 25 अगस्त का मीटिंग में। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, 25 अगस्त का मीटिंग में पेंशन अपडेशन होगा, उसके साथ साथ फैमिली पेंशनर की भी पेंशन का भी अप्रूवल आएगा, उसके साथ साथ जो प्राइवेटाइजेशन और अदर इश्यूज है उसको भी डिस्कस किया जाएगा इस मीटिंग में। सेकेंड नंबर पॉइंट में उन्होंने लिखा है, ए गुड नंबर ऑफ क्वेरीज फॉर मेंबर कम टू आवर नॉलेज सीकिंग आवर व्यूज ऑन सर्टेन पेपर्स व्हिच आर इन पब्लिक डोमेन विदाउट गोइंग द डीपर इनटू द सब्जेक्ट वी लाइक टू alloy to appreciation of our members by quoting relevant pension of bank employee pension regulation 1995। तो इसके साथ साथ जो चार नंबर पॉइंट में उन्होंने बताया है, जो पेंशन रेगुलेशन 1995 में क्या क्या रूल्स है और क्या क्या विधान है, ये चीज भी मेंटेन किया जाएगा इस मीटिंग में। और इसके साथ साथ दोस्तों और एक चीज है, एवरी बैंक इन द इंडस्ट्री हैज फाइनलाइज्ड एंड पब्लिश्ड द बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2021। तो हर दिन जो बैलेंस शीट मेंटेन किया गए थे, इस बैलेंस शीट में क्या क्या न्यूज आने वाले और पेंशन फंड इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं, वो भी इस मीटिंग में अपडेट होगा और पेंशन फंड लेके भी बात होने वाला है इस 25 अगस्त के मीटिंग में, ऐसे ही सर्कुलर में जारी किया है। दोस्तों मेरा आज लास्ट टॉपिक है साफ स्टाफ प्रमोशन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो कोविड 19 में जो पियोन था और पियोन का प्रमोशन होने वाले थे रिकॉर्ड कीपर और क्लरिकल पोजीशन में, तो उसका प्रमोशन अभी तक भी अटका हुआ है क्योंकि कोविड 19 के कारण उन लोगों को प्रमोशन नहीं हुआ। इसलिए EIBA ने और टीम मीटिंग ने एक पत्र जारी किया, सर्कुलर जारी किया फेडरल बैंक एम्प्लॉयज यूनियन ने, जल्दी से जल्दी हमारे साफ स्टाफ का प्रमोशन होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप बैंक में नौकरी करते हो और अगर आप क्लरिकल पोस्ट में काम करते हो, अगर आप पियोन पोस्ट में काम करते हो, रिकॉर्ड कीपर में काम करते हो, तो आपका अगर प्रमोशन नहीं हो रहे तो आप तो मतलब कोई भी आपका काम में एंथू नहीं लगेगा ना, क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन किए हो, आपका भी नौकरी का सैलरी हाइक हो, आपका भी अच्छे काम मिले और आपको भी अपना फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे। तो विदाउट मनी तो आप सपोर्ट नहीं कर सकते ना, इसलिए दोस्तों सब स्टाफ का प्रमोशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आने वाला महीने में, क्योंकि दिवाली में बहुत सारे स्टाफ का प्रमोशन होने वाला है दोस्तों, एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। तो दोस्तों आज का वीडियो इधर ही था और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मास्क पहन के बाहर जाइए और मेरा नॉलेज आईक्यू टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, थैंक यू।